समर्थ श्री भैया जी सरकार नर्मदा मिशन संस्कार कांवड़ यात्रा समिति द्वारा 13 जुलाई को भगवान शिव भोले बाबा का जलाभिषेक कर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी के साथ पेड़ों की रक्षा, नर्मदा जल की स्वच्छता के साथ भोले बाबा से कोरोना से बचाने करेंगी जलाभिषेक। वहीं विश्व विख्यात संस्कार कांवड़ यात्रा को वर्ष 2019 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में दर्ज कर सुनहरा प्रमाण पत्र प्रदान किया था। संस्कार कांवड़ यात्रा समिति नर्मदा मिशन ने विगत 15 वर्षों से अमरकंटक, जबलपुर सहित एक दर्जन जिलों में लाखों पौधों का रोपण कर अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर विश्व कीर्ति का गौरव प्राप्त हुआ है। संस्कार कांवड़ यात्रा के संस्थापक संयोजक शिव यादव एवं अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया कि जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम से विगत एवं वर्तमान वर्ष में तय हुआ कि घमापुर चौक से खमरिया तक रोड डिवाइडर के बीच पूरे श्रावण मास में हजारों पौधों का रोपण और संरक्षण का महाअभियान चलाया जाएगा। समिति ने जिला प्रशासन से नर्मदा किनारे लाखों पौधारोपण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है। नर्मदा मिशन के संस्थापक माँ नर्मदा के अनन्य सेवक समर्थ श्री भैया जी सरकार की दिव्य प्रेरणा समर्पण और शुभ आशीष से 9 वर्षों से संस्कार कांवड़ यात्रा आरंभ की गई। पूज्य भैया जी ने जब 35 किलोमीटर दूर कैलाश धाम खमरिया मटामर का अवलोकन कर भगवान भोलेनाथ के अद्भुत स्थल की महिमा का बखान किया तो लगा मानो हमारे तो भाग्य उदय हो गए। मंदिर के प्रमुख संत रामू दादा का भोले बाबा के प्रति समर्पण आदित्य है। इस वर्ष इस यात्रा को एक नए स्वरूप में विकसित करने का प्रयास है। वैसे भी हमारी मूल संकल्पना ये थी कि कांवड़ में एक तरफ साक्षात पिता स्वरूप शिव और एक तरफ साक्षात माता स्वरूप नर्मदा को लेकर के कांवड़िया श्रवण कुमार की भांति कांवड़ को अपने कंधे पर ले जाकर के शिव का अभिषेक करता। वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप तो इस बार परम पूज्य भैया सरकार का निर्देश भी है, आह्वान भी है कि जो भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़िए हैं और जिनकी कांवड़ यात्रा का संकल्प है, वो अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों के आसपास जो भी उनको एक अच्छा स्थान दिखे जहाँ पर वह उस वृक्ष का संरक्षण कर सके, वहाँ एक वृक्ष का वृक्षारोपण करें और उसमें जल चढ़ाकर अभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा का संकल्प। इस बार कांवड़ यात्रा का जो स्वरूप है वो इस तरह से होगा। रही बात परंपरा की, तो प्रशासन के निर्देश अनुसार एक या दो लोग कांवड़ यात्रा में जल लेकर के भगवान का अभिषेक करके इस परंपरा का व्यवहार करें, जिससे परंपरा भी खंडित नहीं होगी और एक वृक्षारोपण के माध्यम से समाज के लिए नया संदेश होगा। भैया जी सरकार के चरणों में नमन और कैलाश धाम मंदिर के संस्थापक परम पूज्य समर्थ रामू दादा के चरणों में नमन। नगर से उपस्थित तमाम हमारे पत्रकार बंधु, ये एक प्रेस ब्रीफिंग भी मैं आपके सामने पढ़ भी दूं, फिर उसके बाद जो आपका उस यात्रा को लेके सवाल होगा, जिज्ञासा होगी, उसे भी हम जो है बिंदुवार बताएंगे। सनातनी संस्कारों से युक्त पेड़ों की रक्षा, नर्मदा जल की स्वच्छता और साथ में भोले बाबा से कोरोना से बचाव करने के लिए जलाभिषेक, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है विश्व की सबसे विशाल संस्कार कांवड़ यात्रा, उसी तारतम्य में आज हम नगर के उन पत्रकार बंधुओं के समक्ष बैठे हुए हैं। कांवड़ में जल और पौधा लेकर 13 जुलाई को 1 लाख से 1.25 लाख कांवड़ियों का लक्ष्य था कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना है और उसको लेके तकरीबन 3 से 4 महीना पूर्व हमारी पूर्णतः तैयारियां जो है वो हो गई। प्रिय पत्रकार बंधु, भारत हृदय प्रदेश में अव्यवस्थित दुनिया की प्राचीनतम नदियों में श्रेष्ठ जीवनदायिनी, सुख प्रदायिनी, मोक्षदायिनी मात नर्मदा के आंचल में धर्म कर्म और संस्कारों की त्रिवेणी प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक शहर जबलपुर अपने सुसंस्कारणों के कारण विश्व विख्यात संस्कार कांवड़ यात्रा को बस 2019 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर सुनहरा प्रमाण पत्र प्रदान किया। संस्कार कांवड़ यात्रा समिति नर्मदा मिशन ने विगत 15 वर्षों में अमरकंटक, जबलपुर सहित एक दर्जन जिलों में
लाखों पौधों का रोपण कर अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर विश्व कीर्ति का गौरव प्राप्त हुआ। संस्कार कांवड़ यात्रा के संस्थापक संयोजक शिव यादव एवं अध्यक्ष श्री नीलेश रावल ने जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम से विगत एवं वर्तमान वर्ष में जो तय हुआ कि संयुक्त रूप से कैलाश धाम खमरिया मटामर की पहाड़ियों में घमापुर चौक से लेकर रांझी और खमरिया तक रोड डिवाइडरों के बीच पूरे सावन महीने पौधों का रोपण करना है और नगर को हरा भरा बनाना है, वो एक मार्ग तो मात्र एक आदर्श हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है। इस विषय में हमारी विभिन्न चरणों में बैठ के जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों से और माननीय कलेक्टर महोदय से इस विषय में चर्चा भी हुई है। नर्मदा मिशन के संस्थापक मां नर्मदा के अनन्य सेवक समस्त सदगुरु भैया जी सरकार की दिव्य प्रेरणा और समस्त रामू दादा की दिव्य प्रेरणा और उनके शुभाशीषों से 9 वर्ष पूर्व संस्कार कांवड़ यात्रा आरंभ की गई। पूज्य भैया जी ने जब 35 किलोमीटर दूर कैलाश धाम खमरिया मटामर का अवलोकन कर भगवान भोलेनाथ के अद्भुत स्थल की महिमा का बखान किया तो लगा मानो हमारे तो भाग्य उदय हो गए। मंदिर के प्रमुख संत रामू दादा का भोले बाबा के प्रति समर्पण आदित्य है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।